खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के अटल पार्क में चल सुंदर कांड में अपर नगर आयुक्त ने दखल देकर कहा कि ये आरोप है भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी है। मामले को हंगामा खड़ा हो गया और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा कर धरना प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े करीब 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने अपर नगर आयुक्त से माफी मंगवाकर मामला शांत करा दिया। नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी लोग हिंदू वाहिनी संगठन के लोग हैं। आरोप है अटल पार्क चल रहे सुंदर कांड कार्यक्रम के दौरान अपर नगर आयुक्त संतोष यादव ने भगवान श्री राम और हनुमान जी को गाली दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको विरोध में हिंदू वाहिनी संगठन के लोग एकजुट होकर नगर निगम पहुंचे और जमकर हंगामा किया और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है आरोपी अपर नगर माफी मांगे या फिर पुलिस अरेस्ट कर जेल भेजे। करीब 1 से ज्यादा हो गया मामले को लेकर मौके पर भारी मात्रा में सीओ सिटी के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स पहुंच गया है। करीब 3 घंटे तक नगर निगम हंगामा चलता रहा। सिटी मजिस्ट्रेट संगीता गौतम और सीओ सिटी कमलेश कुमार के अथक प्रयासों के चलते मामला शांत कराने का प्रयास किया और अपर नगर आयुक्त संतोष यादव ने थाना उत्तर में हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ताओं के समक्ष माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हो सका। अभी हम लोग थाने में बैठे हुए थे, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा भी थी, सर्किल ऑफिसर साहब भी थे, थानाध्यक्ष महोदय भी थे और उप नगर आयुक्त साहब भी थे। उन्होंने अपना खेद जताया है और वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैंने यह कृत्य जानबूझकर नहीं किया है और मुँह से ऐसा आवेश में आकर के निकल गया है, इसलिए मैं समस्त यहाँ पर बंधुवर भाई बहन जितने उपस्थित हैं आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद भी हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा को एक प्रार्थना पत्र दिया है यही शिकायती बतौर, वह भी अपने स्तर पर जांच करेंगी और धन्यवाद। संगठन के लोग यहाँ पे एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन दिया और किस तरह का उनका आरोप था, क्या कि आज एक शाम को सूचना मिली थी कि अटल पार्क में हमारे शहर के जो उप नगर आयुक्त हैं और कुछ हिंदू मंच के लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, उसी बात को लेकर संगठन के कुछ और लोग नगर निगम के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। बाद में सभी पदाधिकारी जो संगठन के सम्मानित लोग हैं और जो उप नगर आयुक्त हैं उनके मध्य हम लोगों ने बात की, अलग अलग बात भी की और सामने बैठा कर भी बात कराई। तो जो भी छोटे मोटे मतभेद थे उनको लेकर खेद प्रकट किया और ऐसा हुआ कि अब दोबारा इस तरह की अगर कुछ ऐसा कहा गया है तो दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। किस बात को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया? कई चीज़ों को लेकर आरोप थे, खासकर कुछ अपशब्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसके संबंध में बाद में बातें क्लियर हो गई कि वो शायद कुछ भूलवश या सुनने में कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐसा लगा कि इस तरह की बातें कहेंगे, बट बाद में उन सभी बातों को समन्वय के साथ या आपसी सामंजस्य के साथ निपटा दिया गया। ऐसा मांग की गई थी बट अब क्योंकि आपस में समझौता हो गया है और उनके द्वारा खेद भी प्रकट किया गया कि अगर इस तरह की कोई भी बात मेरे द्वारा जो हिंदू मंच द्वारा कही जा रही थी अगर कही गई है तो मैं अपना उसके खेद प्रकट करता हूँ। मैम हिंदू जागरण मंच बाद में जब हम दोनों मंच के कुछ पदाधिकारी और उपनगर आयुक्त साहब बैठे हुए थे और वो बातें प्रॉपर नहीं पाई गई और जिसके फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।